नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ के दोस्तों दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों समय और काम और नल एवं टंकी के दोस्तों कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो एक ही तरह से सॉल्व होते हैं। तो दोस्तों इन दोनों चैप्टरों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए हैं और उनको बताऊँगा दोस्तों एक ही ट्रिक से आप कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। दोस्तों जो हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों वीडियो में हम शामिल किए हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं समय और काम नल एवं टंकी के प्रश्नों को सॉल्व करने की आसान ट्रिक। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों प्रश्न देखने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ्स में वीक हैं और मैथ आप बेसिक से यानी जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए मैं एक चैनल बनाया हूँ जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। दोस्तों आप उस चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि भी आपको भी दोस्तों डेली सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों उस चैनल पर मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से। अगर आप कमजोर भी हैं ना तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोस्तों जीरो लेवल से स्टार्ट किया हूं और हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा और वहां पे मैथ के दोस्तों आपके सारे चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, ए टू जेड जितने भी दोस्तों आपके चैप्टर हैं, ठीक है दोस्तों। और बहुत ही आसान भाषा में वहां पे दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूं बहुत ही अच्छे तरीके से। और कुछ दिनों के बाद दोस्तों आपके जब सारे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे तो आप भी दोस्तों मैथ के प्रश्नों को आसान भाषा में और आसान ट्रिक से दोस्तों अच्छे से सॉल्व करने लगेंगे, वो भी सेकंडों में बिना पेन उठाए। तो दोस्तों अगर आप मैथ्स में वीक है तो आप उस चैनल पे जरूर जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए। तो आइए दोस्तों पहले देखते हैं, ये पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये एसएससी एमटीएस 2014 में दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न कह रहा है राजू एक काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि राम उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, यदि दोनों मिलकर उस काम को करे तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन है, कुछ इसमें बेसिक ही क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ आपको ताकि इसको मैं आप सीख जाए कि कैसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों इसका और ऊपर लेवल ले जाऊंगा, ठीक है। सभी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपको इसी में कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए करा देता हूँ और बताता रहा हूँ दोस्तों कि आपको बता रहा हूँ कि कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है बिना पेन उठाए। तो आप तो पहले दोस्तों इसको आप कैसे सॉल्व करते होंगे बेसिक से बता रहा हूं, बेसिक से अगर जो आप इसे सॉल्व करेंगे तो निकालेंगे दोस्तों क्या ये प्रश्न क्या कह रहा है, राजू एक काम को 20 दिनों में और जबकि राम उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है तो दोनों अगर जो मिल जाए दोस्तों तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको अगर जो बेसिक से कहें दोस्तों तो ये राजू का एक दिन का काम क्या हो जाएगा दोस्तों 1/20 हो जाएगा और ये राम का एक दिन का काम क्या हो जाएगा दोस्तों 1/30, दोनों को हम क्या करेंगे दोस्तों जोड़ लेंगे, 1/20 प्लस 1/30 इन दोनों को जोड़ लेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा एक दिन का। देखिए तो ये क्या हो जाएगा 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20-30 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब क्या करते हैं 60 को क्या करते हैं दोस्तों 20 से भाग करते हैं, 20 से भाग जब करेंगे तो 20 60 और 3 से ऊपर गुणा करेंगे तो 3 एकम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे फिर 30 से भाग करेंगे 60 को तो 30 दुना का 60 हो जाएगा, फिर 2 से क्या करते हैं इसमें 1 में गुणा तो ये 2 हो जाएगा, फिर ये क्या आ जाएगा दोस्तों 5/60 आ जाएगा, फिर इसको कटा के छोटा करेंगे तो 5 एकम 5 5/60 यानी कि 5 12 बार में जाते हैं ना 12 5 60 तो ये क्या आ रहा है दोस्तों 1/12 आ रहा है, तो यानी दोनों का एक दिन का काम क्या आ रहा है दोस्तों 1/12 आ रहा है। तो पूरे मिल के दोस्तों अगर जो पूरा काम कितने दिन में करेंगे दोस्तों एक दिन का काम 1/12 तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा 12 दिन लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों इसका 12 दिन आंसर हो जाएगा। ये तो रहा दोस्तों बेसिक मेथड इतना करते हैं लेकिन आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा दोस्तों, जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आए तो आपको करना कैसे है देखिए, राजू एक काम को 20 दिन में कर सकता है और उसी काम को राम 30 दिन में कर सकता है और दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे ना, ऐसे प्रश्न आए तो इसको दोस्तों सॉल्व किया जाता है XY/X+Y मेथड से, ठीक है। XY/X+Y मेथड क्या होता है दोस्तों, ये 20 दिन है ये 30 दिन है तो हम क्या करेंगे दोस्तों x की जगह 20 y की जगह 30 बस मानना है, देखिएगा 20 गुणे
30 कर लेंगे और बटा में 20 प्लस 30 क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 और 30 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब बस इसी को कटा लेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा, ये जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और 5 से 20 कितने बार में चला जाएगा, 5 चौको 20 और 4 गुणे 3 बचा तो 4 तिहाई क्या हो जाएगा दोस्तों 12 दिन। तो दोनों मिलकर उस काम को दोस्तों कितने दिन में पूरा कर लेंगे 12 दिन, तो 12 दिन इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे और पेपर में आएगा तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे और कुछ ही सेकंड में दोस्तों इस प्रश्न को आप आंसर दे लेंगे। तो देखिए क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में आपको दिख रहा है 20 दिन और 30 दिन, तो तुरंत आपको कुछ नहीं, आप दिमाग में ही दोस्तों सोच लेंगे 20 गुणे 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद से बटा 20 प्लस 30 करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 20 पांच चौको 20 4 गुणे 3 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 दिन इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इतना दोस्तों आप दिमाग में ही करेंगे, 20 गुणे 30 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, 600 को दोस्तों 50 से अगर जो हम भाग करें तो 12 में हो जाएगा, तो तुरंत क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 12 दिन आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों इसी टाइप का एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है दोस्तों, देखिए एसएससी सीएचएसएल 2012 का ये प्रश्न है, ठीक है, यानी 10+2 एसएससी जो 10+2 की एग्जाम होती है 2012 में हुई थी उसमें पूछा गया है, और भी जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिएगा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ए अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है और बी अकेला 30 दिनों में, ठीक है, प्रश्न को समझिएगा, यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो आधा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिएगा प्रश्न पिछला ही है लेकिन पूछ क्या रहा है दोस्तों, इसमें आधा कार्य पूछ रहा है, आधा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए भी दोस्तों आपको उतना लंबा चौड़ा नहीं लगाना है, इसके लिए भी हम निकाल लेंगे कि अगर ये पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, तो इसके लिए भी दोस्तों वही बेसिक मेथड लगेगा जो मेथड पीछे बताया xy/x + y, यानी कि एक 20 दिनों में करता है तो 20 गुणे और बी कितने दिनों में 30, तो यानी 20 गुणे 30 बटा 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 क्या हो जाएगा दोस्तों ये 50 हो जाएगा, फिर से इसको 0 से 0 ये क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से 20 कितने बार में दोस्तों कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा, इसका क्या आ जाएगा दोस्तों 12 दिन में, 12 दिन दोस्तों इसका आंसर नहीं होगा, 12 दिन इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ कह रहा है तो आधा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये आधा कार्य हमने क्या निकाला दोस्तों, पूरा काम निकाले हम लोगों ने ना, कि पूरा कार्य कितने दिनों में, पूरा काम तो दोस्तों 12 दिन में कर रहा है तो आधा काम दोस्तों कितने दिनों में करेगा, 12 का आधा यानी कि 6 दिनों में आधा काम हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 6 दिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, नहीं, अच्छे से समझते चलिएगा दोस्तों, ये बेसिक क्वेश्चन है और ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्नों को समझ लेंगे तो आगे आपको और टफ क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और पेपर में इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ईबुक आई है, उसको समझा देता हूं क्या है ईबुक के बारे में, उसके बाद समझाता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की दोस्तों ई बुक है, ये बहुत ही अच्छी दोस्तों ई बुक है, आपके जो भी दोस्तों आगामी परीक्षा होने वाले हैं जैसे आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल की एग्जाम देंगे, एसएससी जीडी की देंगे, यूपी पुलिस एसआई वीडियो लेखपाल या रेलवे की एग्जाम देंगे या एसएससी की कोई एग्जाम देंगे या दोस्तों कोई अदर गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, तो सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न हमेशा आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएंगे। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है दोस्तों एक लाइन में क्वेश्चन दूसरी लाइन में आंसर, इससे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों इसमें साइंस के क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों पंचम पब्लिशर ने इसकी मूल्य क्या रखी थी, 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने पर दोस्तों ये ई बुक आपको मात्र 25 रुपए में मिल जाएगी। इस ई बुक को दोस्तों आप ले कहां से सकते हैं, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप उस लिंक के थ्रू दोस्तों इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये ईबुक है पीडीएफ नोट्स की तरह, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी और आप इसे मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे, ये मार्केट में या ऑफलाइन आपको दोस्तों नहीं मिलेगी। अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है तो पंचम पब्लिशर को दोस्तों यहां पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके दोस्तों बात भी कर सकते हैं। दोस्तों इस ईबुक को मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं काफी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपके परीक्षा में 1 से 2 दिन का भी टाइम है तो इस ईबुक को लेकर दोस्तों जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके
एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस ई बुक को एक बार लेके जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है नल एवं टंकी का है दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके लिए भी दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, पिछले पैटर्न जो लगाए दोस्तों टाइम एंड वर्क वाला दोस्तों उसी टाइप का यह भी है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पिछला जो लगाया है दोस्तों प्रश्न उसी टाइप का है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रश्न को समझिएगा। दो पाइप हैं ए और बी, और एक टैंक को कितने मिनट में भर रहे हैं, 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, और दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो वही ना रहा, कोई ए व्यक्ति है 20 दिनों में कोई काम कर रहा है, बी 30 दिनों में, दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कर लेंगे। उसी टाइप का यह भी प्रश्न है। दो पाइप है, एक का नाम है ए दूसरे का बी, दोनों को अगर जो खोल दिया जाए तो टैंक कितने मिनट में भर जाएगा। तो इसके लिए भी दोस्तों तो वैसे ही करेंगे, 20 × 30। ठीक है, कितने मिनट में भरेंगे, 20 × 30 / 20 + 30, 20 + 30 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा, और ये जीरो से आपका जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 5 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 × 20, और 4 × क्या बचा, 3 बचा ना, तो 4 × 12, तो दोनों को अगर जो एक साथ खोल दिया जाए तो दोस्तों ये 12 मिनट में टैंक क्या हो जाएगा दोस्तों, फुल हो जाएगा यानी भर जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 मिनट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और पेपर में आएगा तो इस प्रश्न को भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या दोस्तों इसके लिए पेन उठाने की जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ओरली दोस्तों इसको आप देखते इस टाइप का प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। 20 × 30 / 20 + 30 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 20, और 4 × 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा, यानी कि 12 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम देखेंगे कुछ और भी इससे इंपॉर्टेंट ऊपर के क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे बिना पेन उठाए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेलवे एग्जाम 2018 रेलवे एएलपी जो हुआ है ना 2018 में, उसमें पूछा गया यह प्रश्न है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस टाइप के हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न है, बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं, टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में आप कहाँ पे गलती करते हैं मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, जब प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो आप प्रश्न में लास्ट वाली लाइन में कह रहे हैं ना, कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी, ये जो अतिरिक्त वर्ड जुड़ा है ना, यहीं पे प्रश्न का आंसर बदल जाता है। ठीक है, देखिएगा मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, 15 पंप किसी टैंक को क्या कर रहे हैं, 7 दिन में, यानी कि 15 M1D1 का करेंगे, M1D1 बराबर M2D2 वाला जो आपका लगता है ना काम समय वाला, वही यहाँ पे भी दोस्तों लगाएंगे, यानी M1 की जगह 15, D1 की जगह क्या हो जाएगा, 7, यानी कि 15 × क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 15 × 7, यानी 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं, और क्या कह रहा है, कितने, यानी कि टैंक कह रहा है टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी 5 दिन में भरने के लिए। तो मान लेंगे दोस्तों, यानी कि यहां पे कर लेंगे एक्स, मान लेंगे एक्स गुणे क्या होगा दोस्तों, मान लेंगे कि एक्स पंप मिलके 5 दिनों में भर देंगे, तो एक्स गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। अब इस दोस्तों 5 को हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, तो इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणे में है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। ये सब चीज बेसिक चीजें है दोस्तों, बेसिक चीजें मैं नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में जो चैनल है उस पे बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ, कैसे पश्चांतर किया जाता है, कैसे तिरिय गुणा किया जाता है, ये सब सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पे सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो 5 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा, तो ये 5 से क्या हो जाएगा, 15 कट जाएगा, कितने बार में, 5 × 15, और 3 × 7, यानी कि एक्स बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 21 पंप की जरूरत होगी। तो यहाँ पे दोस्तों 21 इसका आंसर नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, यहाँ कह रहा है कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी, 15 पंप तो पहले लगे हैं, अतिरिक्त पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 21 में से 15 घटाएंगे, तो 21 में से 15 घटाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 6 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप प्रश्न को समझ रहे होंगे क्या कह रहा है प्रश्न। सो देखिएगा, कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी, तो ये तो रहा दोस्तों बेसिक मेथड, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, दूसरा मेथड भी देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में, तो 15 × 7 कर लेंगे, इतना लास्ट में कहा है टैंक को भरने में, टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी। तो मान लेंगे दोस्तों 15 तो पहले लगे हैं प्लस एक्स,
यानी कि प्लस एक्स मतलब एक्स और पंपों की जरूरत होगी। हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे और कितने दिन में भरने के लिए, 5 दिन में, ठीक है। ये जो 5 इधर है दोस्तों गुणे में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भागे में हो जाएगा। यानी भाग में जब हो जाएगा तो 5 से 15 कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में, और 7 × 3 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 21। 21 बराबर क्या है दोस्तों, 15 प्लस एक्स है। अब एक्स बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 15 प्लस में है, इधर 21 के जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। 21 में से जब 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। तो यानी कि x बराबर क्या आ गया, 6। तो 6 अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों ये रहे आपके 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है ऊपर लेवल के, ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। और आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप उस चैनल पर जरूर जाइए दोस्तों, उस चैनल पर बेसिक चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिए, और वहाँ पर दोस्तों आप चैप्टर वाइज पढ़ते रहिए। और यहाँ पर दोस्तों आप बताइए किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, वो चैप्टर दोस्तों मैं शॉर्ट ट्रिक से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कराता रहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा। लाइक वाला सिंबल ऐसे होगा, इस पर प्रेस कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ऐसे जहां सिंबल बना हुआ है यहां पे प्रेस करके फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो नीचे दोस्तों रेड कलर का स्टेप सब्सक्राइब लिखा हो दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन है दोस्तों, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये ऐसे दिखने लगेगा। जब ये ऐसे दिखेगा दोस्तों तो आपको डेली सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी, यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।